दोस्तों आज का ये वीडियो जो है आप लोगों के डिमांड पर है। मेरे टेक्नो गुरुदेव के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक डीएम मिला है जो कि है जोया एसके। इन्होंने मुझे डीएम किया है कि क्या आप इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं कि ये सारे सोशल मीडिया लिंक कैसे लगाते हैं अबाउट में, जैसे आपने लगाया है ये आपके चैनल का ही स्क्रीनशॉट है। और इन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर भेजा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है मेरे अबाउट, जो मेरा चैनल का अबाउट सेक्शन है, वहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजा है और इन्होंने कहा है कि आपने जो है कैसे यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक लगाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही प्रैक्टिकली जो है कर बताने वाला हूँ कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप अबाउट में जो है कुछ इस तरह से सोशल मीडिया लिंक कैसे लगाएंगे ताकि आपके YouTube चैनल पर जो भी विजिट करे अगर अबाउट सेक्शन में जाए तो वो आपके जो है तरह तरह के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विजिट कर पाए ताकि वहाँ पर भी आपकी ऑडियंस की रीच बढ़ सके। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है और इससे आप अपने चैनल को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और अपने अदर सोशल मीडिया को भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने यूट्यूब चैनल के जो है अबाउट सेक्शन में मेरी तरह जो है सबसे पहले अबाउट सेक्शन जो मैं लिखा हूं यहां पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया लिंक, तो इसको आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा, फेसबुक पर क्लिक करूँगा तो फेसबुक ओपन हो जाएगा, ट्विटर पर क्लिक करूँगा तो ट्विटर ओपन हो जाएगा। और इसको लेकर मेरे पास एक डीएम भी आया था इंस्टाग्राम पर। और अगर आपने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से फॉलो कर लीजिए, अभी जो है बहुत कम फॉलोअर्स है तो आप लोग का सपोर्ट और प्यार चाहिए तो जल्दी से टेक्नो गुरुदेव के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम अपने चैनल पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अबाउट सेक्शन में मैंने जो है सारी चीज़ों को जो है ऐड किया हुआ है। ये डेस्कटॉप पर मैंने ओपन किया है तो इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर मैं अपना बिजनेस ईमेल भी लिंक किया हूँ तो इसको कैसे करेंगे वो करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर क्लिक करता हूँ तो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पर फेसबुक पर क्लिक करता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर फेसबुक पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो टेक्नो गुरुदेव का फेसबुक प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ट्विटर पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ट्विटर अकाउंट मेरा ओपन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों का जो है मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है तो कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको अपने चैनल के लोगो के ऊपर क्लिक करना है, आपको अपने स्मार्टफोन में डेस्कटॉप मोड में जो है अपने चैनल को ओपन करना है। ब्राउजर में ओपन करके डेस्कटॉप मोड करने के बाद आपको लोगो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है यूट्यूब स्टूडियो में आपको चले जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कस्टमाइजेशन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फॉर्मेशन का। तो चैनल कस्टमाइजेशन में तीन ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आना है। अब आपको नीचे आ जाना है तो सबसे पहले आप अगर अपने चैनल का अबाउट लिखना चाहते हैं तो आप अबाउट लिख सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने अपने चैनल का अबाउट दे रखा है तो आप भी कुछ इस तरह से अबाउट दे सकते हैं। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैनल कस्टम यूआरएल भी मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। उसके बाद जो है कस्टम यूआरएल डिलीट करने का तरीका भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों ये जो सोशल मीडिया लिंक ऐड करने का तरीका है वो आपको यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड लिंक टू साइट यू वांट टू शेयर विथ योर व्यूअर्स, जो भी लिंक आप शेयर करना चाहते हैं वो लिंक आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपने व्यूअर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सब्सक्राइब नाउ का जो है यहाँ पर दिया है, उसके बाद इंस्टाग्राम कर दिया है, फेसबुक कर दिया है, ट्विटर कर दिया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि जो भी आपके फेसबुक प्रोफाइल का या इंस्टाग्राम प्रोफाइल का या ट्विटर प्रोफाइल का यूआरएल है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको बताने के लिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिंक्स कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी अगर आपने ऐड नहीं किया होगा तो आपको ऐड करने के लिए आपको ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको लिंक टाइटल में आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ प्लीज सब्सक्राइब और यहाँ पर जो है मैं अपने YouTube चैनल का URL डालूंगा। और URL में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ इस तरह से अगर मैंने URL पहले से लिख कर रखा है तो आप भी अपने YouTube चैनल का URL ले सकते हैं। URL आपको ऊपर दिखेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की साइड में आपको आपके चैनल का URL दिखेगा। तो www.youtube.com/channel/ आपके चैनल का जो ये ID रहेगा वो आपको देकर जो है URL बना लेना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तो इधर जो है आपको टाइटल देना है और इधर यूआरएल देना है, फिर ऐड लिंक पर दोस्तों फिर से आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है दूसरी जो सोशल मीडिया लिंक आप देना चाहते हैं वो आपको देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम को जो है दे देता हूँ ताकि जो है लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी विजिट करें। तो अब आपको यहाँ पर यूआरएल देना है। अब आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पर देना है। तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये यूआरएल जो ऊपर दिखाई देता है यही यूआरएल आता है हमारे जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का। सिंपली आपको प्रोफाइल ओपन करने के बाद प्रोफाइल को जो है इस तरह से ओपन कर लेना, ऊपर जो है आपका यूआरएल दिखाई देगा, आपको सिंपली जो है कॉपी करना है और यहाँ पर जो है आकर पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूआरएल दे दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड लिंक ऊपर क्लिक करना है। अब आप जिस भी जो है सोशल मीडिया का जो है यहाँ पर टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर फेसबुक का दे देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं फेसबुक पेज का जो है अपनी यूआरएल दे देता हूँ। तो मैंने फेसबुक पेज यहाँ पर ओपन करके रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर के साइड में जो है facebook.com/technogurudev का यूआरएल यहाँ पर दिख रहा है। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो मेरे फेसबुक पेज का जो है यूआरएल यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऐड लिंक के ऊपर और यहाँ पर जो है ट्विटर का जो है अपने प्रोफाइल का जो है टाइटल दे देता हूँ और यहाँ पर ट्विटर अकाउंट का यूआरएल दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने ट्विटर प्रोफाइल ओपन करके रखा है, आप ऊपर देख सकते हैं twitter.com/technogurudev। तो मैं यहाँ पर जो है अपने ट्विटर अकाउंट का जो है यूआरएल दे देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब पहले मैंने दे दिया कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो इस लिंक पर क्लिक करेगा और जो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाना चाहता है वो इस लिंक पर क्लिक करेगा, जो फेसबुक पर जाना चाहता है वो इस लिंक पर क्लिक करेगा, जो ट्विटर अकाउंट पर फॉलो करना चाहता है वो इस लिंक पर क्लिक करेगा। उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर और भी लिंक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 1 2 3 4 5 5 लिंक जो है ऐड करने का ऑप्शन मिलता है और आप इसको जो है यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है सेट किया है तो इसको जो मैं चेंज नहीं करूंगा। और यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा जो है मेरे पास आ चुका है तो इसको अगर आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिंक ऑन बैनर, मतलब इसका है कि फर्स्ट 5 लिंक्स, अगर आप सभी लिंक्स को बैनर पर शो करना चाहते हैं तो ये सभी लिंक जो है आपके यूट्यूब चैनल के बैनर पर शो करेगी। वो कहाँ शो करेगी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट 5 लिंक्स को सिलेक्ट कर लेना है। आप जितना भी यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो लिंक्स जो है आपके बैनर पर शो करेगी। तो मैंने यहाँ पर पाँचों को सिलेक्ट किया तो पाँचों लिंक्स जो है यहाँ पर शो करेंगी। उसके बाद दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसी में जो है बिजनेस ईमेल डाला जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपना बिजनेस ईमेल यहाँ पर डाल रखा है। अगर आप भी बिजनेस ईमेल डालना चाहते हो तो आप यहां पर अपना बिजनेस ईमेल डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सेव कर देना। सेव करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो है सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल का जो बैनर रहेगा वहां पर दिखाई देगा और अबाउट सेक्शन में भी यही लिंक आपकी दिखाई देंगे। तो चलिए यहां पर पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद दोस्तों हम यहां पर जो है चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम सबसे पहले यहां पर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है मेरी बैनर पर लिंक जो है शो हो रही है। मैंने प्लीज सब्सक्राइब पहले लिखा था तो यहां पर यूट्यूब चैनल का जो है प्लीज सब्सक्राइब आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है मैंने इंस्टाग्राम का जो है लोगो लगा रखा है, मतलब इंस्टाग्राम की लिंक दे रखा है, फेसबुक की लिंक दे रखा है, यूट्यूब ट्विटर की लिंक दे रखा है। तो दोस्तों यहां पर जो है आप सोशल मीडिया की लिंक जो है आपके बैनर पर भी शो होगी। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से ट्यूटोरियल बनाकर बता दिया कुछ इस तरह से जो है आपका जो सोशल मीडिया लिंक है वो स्मार्टफोन पर कुछ इस तरह से दिखेगा, जहां पर आप क्लिक करके जो है तरह तरह के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग डीएम करके जो है वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं तो मैं जो है वीडियो बना देता हूं। तो आज का जो है मैंने डीएम कवर कर लिया है, आज के डीएम के ऊपर मैंने जो है वीडियो बना दिया है। आई होप कि ये वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, टेक्नो गुरुदेव जो है इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आईडी है, वहां पर जाइए फॉलो कीजिए। आपका कोई भी इशू है यूट्यूब से रिलेटेड, एडसेंस से रिलेटेड, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं उस इशू के ऊपर जो है वीडियो जरूर बनाऊंगा और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लायक होगी तो मैं उसे सॉल्व भी कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसे जुड़े रहिए टेक्नो गुरुदेव चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।